सब्सक्राइब हरियाणा बीट्स एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट। देखें हरियाणवी गानों के साथ साथ अपने पसंदीदा शोज। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ। जी हाँ, स्टोरीज बड़ी खूबसूरत होती है ना, हमारी जिंदगी की कहानियां होती हैं। तो चलिए अगली स्टोरी सुनाता हूँ आपको। सूरज निकलता और डूबता कितना अच्छा लगता है ना। मैं ऑफिस से आज घर जल्दी आ गई थी, दिल ऑफिस में था ही नहीं। मुझे अजीब सा फीलिंग आ रहा था क्योंकि मेरी आज शादी टूट चुकी थी। शादी कहूँ या मंगनी या एंगेजमेंट, उसको मैं नकार कर आ गई थी। मुझे नहीं करनी तुमसे शादी, गेट आउट, दरवाजे की तरफ उंगली करते हुए बोला था उसने। घर वापस आई तो 2 BHK का ये फ्लैट मुझे खाली खाली लगा। महंगी फर्निशिंग और सब कुछ पापा ने करवा के दिया था। क्या करें, जब आपकी बेटी होती है ना तो इंसान उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करवा कर देता है। मेरे पापा ने TV, फ्रिज से लेकर सब साजो सामान इस घर में सजा कर मुझे दे दिया था ताकि मैं खुश रह सकूँ। माँ ने बोला था कि हमारी एक ही बेटी है, अगर उसकी हम चीज़ों की ख्वाहिश नहीं पूरी कर पाए तो फिर हमारा फ़ायदा भी क्या। अब कैसे कहूँ माँ बाप को कि मैं उस रिश्ते में नहीं हूँ। क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा और हर बार बस यही सोचे जा रही हूँ कि ऑफिस वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार वालों को क्या मुंह दिखाएंगे, और दिल किया भाग जाऊँ बहुत दूर। और ये भी सोचा कि रोहित को फेस कैसे करूँगी ऑफिस में। सारी रात यही सोचती रही। कोमल नाम है मेरा, बट अब मुझे लगता है कि मैं शायद उतनी कोमल नहीं रही। मेरी ज़िंदगी में तनाव बहुत हो चुका था। मैं सोचती रही कि जिस रिश्ते के लिए मैंने मेरे माँ बाप को मनाया था वो अब क्या सोचेंगे। 3 साल तक हम बहुत अच्छी रिलेशनशिप में रहे, लेकिन मेरे लिए अगली सुबह यानी कि आज की सुबह आम नहीं थी। मैं किसी बस में बैठ गई और वो बस ऋषिकेश की तरफ बढ़ने लगी। मुझे लगा कि ज़िंदगी में कुछ फासले होना भी ज़रूरी हैं और अब मैं उस लड़के से शादी नहीं कर पाऊँगी। जब 3 साल पहले मैंने ज्वाइन किया था तो रोहित मेरा मैनेजर था। वो अक्सर कहता था, ड्रीम बिग, बहुत बड़ा सोचो कोमल, तुम इस चीज़ के लिए नहीं बनी हो। और वहीं धीरे धीरे मैं उसके प्यार में आ गई। लेकिन मुझे हमेशा यही लगता था कि जैसे ही मैं उसके प्यार में आई चीज़ें बदलती गई। वो मुझे मेरे काम में नुक्स निकालने लगा और वो हमेशा कहने लगा कि शादी के बाद तुम्हें कौन सा जॉब करनी है, मैं तुम्हें नहीं रखूँगा, तुम्हें घर पर रहना होगा। और जो प्रोजेक्ट मैं करना चाहती थी उसने मुझे वो भी करने नहीं दिए। बट कई बार होता है ना कि जब हम प्यार में होते हैं तो हम प्यार में झुक जाते हैं। हमें लगता है कि नहीं, जब सामने वाले को अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इस चीज़ को नहीं करूँगी, मैं उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार थी। लेकिन मुझे बस एक चीज़ थी कि एटलीस्ट वो मुझे मेरा काम करने दे, क्योंकि मुझे मेरे काम से बहुत प्यार था। खैर, मैं ऋषिकेश पहुँच गई और कैब कर होटल भी आ गई। बाबा का फ़ोन बजने लगा और मैंने फ़ोन उठाकर कहा कि पापा मीटिंग में हूँ, बाद में बात करती हूँ। एक अच्छी बेटे बनने की चाहत में मैंने बहुत कुछ गवा दिया था। मुझे अब ये लगता था कि मैं अपने माँ बाप के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन जाऊँगी। कैसे बताऊँगी उन्हें कि जिस लड़के को आपने हाँ कर दी थी वो लड़का मुझसे शादी करना नहीं चाहता। या ये कैसे कहूँगी उन्हें कि मैं इस रिश्ते में घुट रही हूँ, मुझे इस रिश्ते से आज़ाद होना है। शाम बीत गई, अगला दिन सुबह हुई और मैं लक्ष्मण झूले के पास पहुंच गई। सारा दिन मैंने वहाँ बिताया। मैंने देखा कि जहाँ पर ज़्यादा विदेशी चेहरे हैं। मैं शाम को एक पास ही के रेस्टोरेंट में गई। अंदर देखा तो माहौल बड़ा सूफियाना था। कोई आराम से गाने गा रहा था, कोई डफली बजा रहा था और कोई गिटार बजा रहा था और कोई साइड पर होकर बुक्स पढ़ रहा था। मैंने देखा कि वहाँ पर गंगा दूर तक फैली नज़र आ रही थी। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। तभी मैं वहाँ बैठकर कॉफ़ी पी रही थी और मेरे पास एक लड़का आकर बैठ गया। उसने कहा कि हे, मे आई ज्वाइन यू। मैंने उसे कहा हाँ, यू कैन। और हम दोनों में कोई बात नहीं हुई, ना उसने मुझसे कुछ पूछा ना मैंने उससे पूछा। मैं बस यही सोचती रही कि आखिर ये फिरंगी लड़का घुंघराले बालों वाला मेरे पास आकर क्यों बैठा है। उसने बस मुझे एक बात कही कि ज़िंदगी में अगर तुम किसी चीज़ से प्यार करते हो तो तुम्हें वो कर लेना चाहिए। लेकिन उसने इंग्लिश में कहा तो मैं समझ गई थी कि व्हाट ही वांट टू से। तो मैं अपनी चीज़ों को संयो ही रही थी और मैं बार बार अपने दिमाग में यही ला रही थी कि मेरा पहला प्यार तो मेरा काम है,
मैं डिज़ाइनर हूँ और मुझे डिज़ाइन करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे अपने टास्क अपने काम से बड़े इंतहा प्यार है। हम एक दूसरे से बातें करने लगे थे। अब वो मुझे पूछने लगा था कहाँ से हो, कैसे आई हो, और मैं उसे नॉर्मली बात का जवाब दे रही थी। मैंने उसे पूछा कि तुम कहाँ से हो और किस लिए आए हो। उसने पहले कहा कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारा ड्रीम क्या है या फिर तुम्हारी ज़िंदगी का गोल क्या है। तो मैंने उसे कहा कि आई जस्ट लव माई वर्क, मैं इसी काम में अच्छी हूँ और मुझे लगता है कि मैं इस काम को बड़े पैशन से कर सकती हूँ। मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारा पैशन क्या है, तो उसने कहा कि अब तक मिला नहीं, बट यू आर वेरी लकी कि तुम्हें तुम्हारा पैशन मिल गया है, मैं तो बस दुनिया घूम रहा हूँ। तो मैंने उसे कहा कि दुनिया घूमना तुम्हारा पैशन है। वो कह रहा है नहीं, मुझे पसंद है लेकिन ये मेरा पैशन नहीं है। बातों ही बातों में वो मेरा दोस्त बन गया। उसने मुझे कहा कि शाम को हमारे साथ चलोगी, तो मैंने भी हाँ में सिर हिला दिया। हालांकि मुझे लगा नहीं था कि एक इतनी सिंपल गर्ल किसी भी लड़के के साथ ऐसे ही चली जाएगी, लेकिन जब आप किसी चीज़ से टूट रहे होते हैं ना, तो आपको कोई ना कोई सहारा ज़रूर चाहिए होता है। शायद यही वो सहारा था, बट एज अ फ्रेंड के रूप में। वो मुझे आश्रम ले गया और वहाँ पर बहुत जगह खूबसूरत थी। मैंने वहाँ देखा कि बहुत ही सूफियाना सा माहौल था। वहाँ पर लोग अपना अपना काम कर रहे थे, कुछ लोग डांस कर रहे थे, कुछ लोग बैठे हुए गप्पे हाँक रहे थे। तो मुझे लगा कि लोग ज़िंदगी में कितनी चीज़ों को पाते हैं और एक मैं हूँ जो सिर्फ और सिर्फ रोहित के चक्कर में बर्बाद हो रही हूँ। एक मैं हूँ जो उसे बस यही चाहिए कि उसके साथ रहना है, वो मुझे छोड़ कर ना चला जाए, उसकी बातों को मानना है, बस यही करती रहती हूँ सारा दिन। खैर वो टाइम बहुत अच्छा स्पेंड हुआ और मैं अपने होटल की तरफ आने लगी। उसने मुझे आते हुए कहा कि ज़िंदगी में जो करना है वो करना चाहिए, जो आपके दिल में हो वो सुनना चाहिए, और हाँ ज़िंदगी में हर बार दबना भी नहीं चाहिए। ये बात मेरी कानों में बार बार रह रह कर आई जा रही थी। मैं सोच रही थी कि मुझे अब वही करना है जो मुझे अच्छा लगता है, मुझे अपने काम पर ध्यान देना है, मुझे किसी के बारे में सोचना नहीं है। तभी माँ का फ़ोन बजा। माँ से पहले बाबा की आवाज़ आई, कहाँ है तू, सुबह का फ़ोन नहीं किया, फ़ोन किया तो कह रही है मीटिंग में हूँ और उसके बाद फ़ोन नहीं उठाया। मैंने अपने बाबा को एक ही बात कही कि बाबा मैं इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती, मुझे इस रिश्ते को छोड़ना है, आई डोंट वॉन्ट टू लिव विद रोहित। बाबा ने बस एक ही बात कही, तो क्या हुआ बेटा, जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम वही करो, अगर तुम इस रिश्ते में अच्छे से महसूस नहीं कर रही हो तो तुम छोड़ दो, तुम्हें किसने रोका है कि इस रिश्ते में बंद कर रखो, हमारी एक ही बेटी है और मैंने तुम्हें बेटों की तरह पाला है। तो मैंने रोते हुए कहा कि बाबा रिश्तेदार दोस्त ऑफिस सब क्या कहेंगे। तो बाबा ने एक ही बात कही, देखो ज़िंदगी में जो तुम्हारा दिल करे तुम करो, तुम आज तक वही करती आई हो, और ये दोस्त रिश्तेदार और ऑफिस वाले सब तुम्हारे साथ ही रहेंगे अगर तुम ज़िंदगी में ग्रो करती जाओगी। फैसला तुम्हारा खुद का होना चाहिए, ना कि लोगों का। मैं बड़ी खुश थी मेरे बाबा से बात कर कर, और मैंने फ़ोन रखा और आराम से उस दिन भर पेट खाना खाया। सुबह जल्दी से मैं आ गई और आते ही अगले दिन मैंने ऑफिस ज्वाइन किया। ऑफिस में जाते ही मैं सबसे पहले मेरे बॉस के पास गई और उसको मैंने बोला कि जिस प्रोजेक्ट के लिए आपने मैंने मना किया था, मैं उस प्रोजेक्ट में वापस आना चाहती हूँ, क्योंकि रोहित को वो प्रोजेक्ट पसंद नहीं था बिकॉज उसमें बहुत सारे मेल फ्रेंड्स थे मेरे, इस वजह से मैंने मना कर दिया था। लेकिन अब मैं सारे प्रोजेक्ट्स करूँगी, ग्रो करूँगी, और मैं उस प्रोजेक्ट को हासिल कर चुकी हूँ। सामने से रोहित भी आ रहा था, मैंने उसे गुड मॉर्निंग किया क्योंकि वो मेरा सीनियर था, और बस अपने बेंच पर बैठ गई। तो ज़िंदगी में कभी कभी इंसान को सख्त भी होना ज़रूरी होता है, कभी कभी ज़िंदगी में टफ सिचुएशन को फेस करना भी ज़रूरी आना चाहिए। और हाँ, ज़िंदगी में अगर आप जो भी करोगे दिल से करोगे तो यू विल डेफिनेटली गोना विन द रेस। तो जी, ये थी खूबसूरत सी मेरी कहानी। तो गाइज, कैसी लगी आपको ये खूबसूरत सी कहानियाँ? अगर आपको ये हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप भी मुझे अपनी स्टोरीज भेजें, क्योंकि आप ही लोगों की तो कहानियाँ हैं, मैं आप ही तक पहुँचाता हूँ, बस जज्बात आपके शब्द मेरे। तो जल्दी से अपना फ़ोन उठाएं और मुझे सेंड कर दें अपनी खूबसूरत सी कहानियाँ। तो अब तो जी जाने का टाइम हो गया, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हरियाणा हला।
कमिंग सून। हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री की सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए हरियाणा म्यूजिक।